देवों के देव महादेव को पापियों का संहार करने वाला माना जाता है। जिस तरह ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार और विष्णु जी को पालनहार माना जाता है, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव को सृष्टि का संहारक माना जाता है। भगवान शिव को महायोगी, अर्धनारीश्वर, महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ और त्रिपुरारी नाम से भी जाना जाता है। महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम आपको उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। शिव का नाम शंकर से जोड़ा जाता है, लोग कहते हैं शिव शंकर। इस तरह अनजाने में कई लोग शिव और शंकर को एक शक्ति के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की होती हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग शक्ति हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान है, जहां पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव के पंचायत कहलाते हैं। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग चाहे जितना भी टूटा हो उसकी पूजा होती है। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिवजी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। भोले बाबा ने तांडव करने के बाद सनकादि के लिए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे महेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। भगवान शिव के गले में जो सांप लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई शेषनाग हैं। भगवान शिव ने खुश होकर इसे अपने गले में डालने का वरदान दिया था और इसी प्रकार चंद्रमा को भी भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा गया? समुद्र मंथन के दौरान 14 चीज़ें निकली थी। 13 चीज़ें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली, लेकिन हलाहल नाम का वृक्ष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। यह विष बहुत ही घातक था, इसकी एक बूंद धरती पर तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था। इसी विष को पीने के बाद उनका कंठ नीला हो गया था और वह नीलकंठ के नाम से जाने गए। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था और वही उमा उर्मी भी कही गई। शिव भगवान की एक बहन भी थी जिनका नाम अमावरी था, जिसे माता पार्वती की जिद पर खुद महादेव ने अपनी माया से बनाया था। भगवान शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही भगवान शिव का ज्ञान संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु और भारद्वाज। इसके अलावा उनके 8वें शिष्य गौर शिरस मुनि भी थे। भगवान शिव ने अपनी अर्धांगनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ज्ञान सूत्रों का संकलन है। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से बहती है, क्योंकि जब देवी गंगा को धरती पर उतारने का सोचा तो एक समस्या आई कि इनके वेग से तो भारी विनाश हो जाएगा। तब शंकर भगवान को मनाया गया कि वे पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें, फिर अलग अलग दिशाओं में धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारें। भगवान शिव ने कई अवतार लिए, जैसे वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवभूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुंटन तर्क, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र भी है। रुद्र 11 बताए जाते हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अर्पिबुध्य, शंभु, चंड तथा भव। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर,
ओमकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हें ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड भी कहा गया है। भगवान शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उसमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साइबीन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों में एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के काल में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव दर्शन के उल्लेख मिलते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी शिव ने दर्शन दिए थे। भगवान शिव को अनादि माना गया है, जो हमेशा से थे, जिनके जन्म की कोई तिथि नहीं है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनादि अनंत अजन्मा माना गया है, यानी उनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत, ना उनका जन्म हुआ है ना वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह भगवान शिव अवतार ना होकर साक्षात ईश्वर हैं।